दो सूत्रीय मांग को लेकर अपने 57वें दिन भी लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे मनरेगा कर्मचारियों ने अपने दिवंगत साथियों को प्रदर्शन स्थल पर श्रद्धांजलि दी और कहा, हम सभी अपनी मांग को लेकर निरंतर डटे रहेंगे। छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले अपनी दो सूत्रीय मांग को लेकर लगातार 57वें दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे मनरेगा कर्मियों ने सोमवार को बारिश के चलते धरना स्थल से हटकर मानस भवन में अपना प्रदर्शन जारी रखा। इस दौरान वे सभी प्रदर्शन के दौरान अपने दिवंगत साथियों को श्रद्धांजलि देते नजर आए और छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भरोसा जताते हुए अपनी आवाज उठाई और इस संबंध में न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया भी दी। दो सूत्री मांगों को लेकर आज 57वां दिन हम अपने हड़ताल पे बैठे हुए हैं और आज हम अपने जो दिवंगत साथी है जो पिछले कई सालों से अपना कार्य दे रहे थे और उनका जो निधन हुआ है, तो आज हम उनको अब पूरे महासंघ की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं और हम सरकार से भी निवेदन करेंगे कि हमारी उस जायज़ मांगों को और बिना वित्त भार के जो आपसे जो मांग की जा रही है जो हमारे नियमितीकरण का, तो वो देने का कृपा करेंगे ताकि हमारा भविष्य सिक्योर हो। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार मनरेगा कर्मियों की नियमितीकरण सहित दो सूत्रीय मांगों को पूरा करने के लिए 7 सदस्य कमेटी बनाई गई थी, जिसका अब तक शासन की ओर से किसी तरह का कोई भी रुझान नहीं आया है, जिसके चलते लगातार अपने आंदोलन में डटे सैकड़ों मनरेगा कर्मियों ने अपना प्रदर्शन जारी रखा हुआ है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।